वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज डे 3 है और क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा था जस्ट, अभी मैं लॉबी में ही था होटल की एंड टाइम हो गया 9:30 और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आज हमें दिल्ली निकलना है। और हम ये सोच रहे हैं कि पहले हरिद्वार रुकते हैं फिर उसके बाद दिल्ली जाते हैं। अभी मजा आएगा ना, तो जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कम हो गया ब्रेकफास्ट, गजब बेइज्जती है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दो बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है। और अभी हम जस्ट निकलेंगे दिल्ली के लिए, तो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फाइनली दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और ये मेरे बैग आ गए और सारी फैमिली बैठ चुकी है गाड़ी में, हम भी बस निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और अभी चलते हैं घर। बीच रास्ते में हम शायद कहीं रुकेंगे भी। और ये प्रॉपर्टी तो मेरे को अच्छी लगी, कल वाली इतनी अच्छी नहीं थी, आज अच्छी लगी। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। हम देखो निकल रहे हैं, बस गाड़ी में बैठ रहे हैं। एक गाड़ी ये रही हमारी, एक गाड़ी हमारी ये रही, जस्ट हम बैठ रहे हैं। क्या सीन है। फाइनली पहुंच चुके हैं अर्की पौड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मतलब ये जो आप पीछे देख रहे हो ये अर्की पौड़ी है, थोड़ी दूरी पर है। बस हम चल रहे हैं पैदल पैदल और हमने गाड़ी अभी पीछे पार्क कर ली है। अभी बस 10 मिनट की वॉक है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अर्की पौड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, भीड़ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को। तो गाइस आप देखो ये पूरा हर की पौड़ी का व्यू है हरिद्वार में। अभी पानी काफी ज्यादा साफ है भाई। ये देखो ये हमारे बाबा महादेव, देवों के देव। बच्चा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, छोटे कान्हे जी बना दिए इसको, अच्छा लग रहा काफी नाइस। और ये मैं अभी हर की पौड़ी पे ही था, इसका टाइम हो चुका है और अभी हम किसी देसी ढाबे में रुके हैं क्योंकि इतने टाइम से हम रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं तो यार थोड़ा बोर हो गए हैं। तो अभी कुछ जैसे देसी खाने का मन था, पराठे टाइप से, तो इस वजह से थोड़ा खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। हम पीछे फ्रूट लेने रुके थे तो मम्मा को थोड़ा फ्रूट लेना था क्योंकि तो कह रही हैं थोड़ा खाना खा लिया डाइजेस्ट करना है इस चक्कर में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। फ्रूट देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रूट है। हम लेते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं। हो चुके हैं जैन शिकंजी, आप देखो मेरे पीछे जैन शिकंजी। अब हम थोड़ी शिकंजी पियेंगे, हमने लंच वगैरह तो कर लिया, अब थोड़ी शाम हो रही थी, रात होने वाली है, तो हमने सोचा कि क्या कहते हैं जैन शिकंजी से शिकंजी ले लेते हैं, थोड़ा हो जाए मुँह गीला। मेरे पीछे जैन शिकंजी है, असली वाला जैन शिकंजी, असली लिखा हुआ है क्योंकि इसके पीछे पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी सही चीज़ है। हम ऑर्डर कर रहे हैं, पापा ऑर्डर कर रहे थे, अब बस पकोड़े भी खाएंगे थोड़े बहुत, उसके बाद सीधा दिल्ली। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब हम कहीं जाते हैं ट्रिप पे तो जाते समय तो रास्ता पता नहीं लगता, पर आते समय तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने देर से चल रहे हैं, अभी तक आया नहीं। मैंने शिकंजी ले ली थी और अब मैं गाड़ी में बैठने वाला हूँ, बाकी सबने भी ले ली शिकंजी, पकौड़े भी लिए हमने। अब चलते हैं सीधा, मेरे ख्याल से 2 घंटे का रास्ता ही बचा है, ज़्यादा तो बचा नहीं। उसके बाद अब हाईवे में भीड़ होगी, दिल्ली में एंट्री करते ही जाम मिलेगा,
क्योंकि अभी जाम लग रहा है दिल्ली में, मिल सकता है थोड़ा बहुत हमें, बाकी देखते हैं जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, बैग वैग निकाल लिए हमने गाड़ी में से, कैसा लगा ट्रिप भाई? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मजा आया निंदों में, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ओके गाइस, अब हम चलते हैं और नेक्स्ट ट्रिप के लिए तैयार रहना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।